अभी देखो हमने क्या करा है, बीच में एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर उठा लिया, ठीक है। हमारा चल रहा था ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का ऑडिट वाला पार्ट खत्म हो गया था, ऑडिट का साइड के एक कुछ पार्ट रह गए थे, तो हम वही पार्ट्स कर रहे थे। अभी अभी समझाता हूँ कैसे। ये देखो हमारा ये पहले दो चैप्टर में ना सारी चीज़ें कवर कर ली थी हमने, जो पहले यहाँ पे जो नहीं भी दे रखी ना दोनों चैप्टर में, उससे भी ज़्यादा हम 2 गुना ज़्यादा इससे कर चुके हैं फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में जितना था, क्योंकि वो आपके पेपर में आता है और आपकी बुक में नहीं दे रखा, ठीक है। उसके बाद हमने जस्ट बिकॉज हमारे पास एक तीसरा चैप्टर था रोल ऑफ ऑडिटर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसकी वजह से हमें पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना पड़ गया, ठीक है। ये हमें ये पढ़ना पड़ेगा पूरा, हमें पूरा पूरा का पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया जस्ट बिकॉज हमें एक छोटा सा पॉइंट पढ़ना था ये, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारा आता है PCAOB और आएगा हमारा नफरा, NFRA, ठीक है। ये दोनों चीज़ आज की क्लास में हम दोनों चीज़ कवर करेंगे। अब इसमें एक चीज़ देखना, ठीक है, उसी टाइम बताता हूँ। PCAOB प्रिंसिपल पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, तो PCAOB और NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये दोनों सेम है। सर क्या बात कर रहे हो, सेम है तो दो दो क्यों दे रखे हैं। चलिए तो ये सेम कैसे हैं सर, देखो PCAOB ये जो हमारा बोर्ड है, ये जो पूरा चीज़ हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक ये रिलेटेड है सारा US से, ठीक है, यानी अमेरिका से। और जो NFRA है वो है हमारा इंडिया का, ठीक है, जिसे मैं शॉर्ट में नफरा नफरा बोलूँगा, NFRA, ठीक है। तो रादर देन टॉपिक पहले ये दे रखा है उसके बाद नफरा दे रखा है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैम नफरा पढ़ लेते हैं। सर ऐसा क्यों करवा रहे हो, जब आप वो पहले उसे पढ़ लोगे ना NFRA, तो आपको PCAOB अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और ये जब हम पढ़ेंगे नफरा, तो इससे क्या होगा, जब इंडिया की ही बात हो चलेगी तो आपके दिमाग में ज़्यादा जल्दी घुसेगा, ठीक है दोस्त। चलिए एक बार इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नफरा से। नफरा में देखो था क्या, पहले पहले था हमारा कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 132 में ना ऐसा लिखा हुआ था कि कुछ पावर्स ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, जैसे मैं एक लिख देता हूँ, रिकमेंडेशन ऑन SAs, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, या फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो मर्जी बोल लो, ठीक है। तो इस सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ये पावर थी और एक ये पावर थी, ये कल को एक अथॉरिटी बना सकता है। सर किस चीज की अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यहाँ पे CG का मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ध्यान रखना यार, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम वापस ऑडिटिंग पे आ गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को छोड़ के। ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो पहले क्या था, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ था सेक्शन 132 में कि सर CG सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी पावर्स है कि CG क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, जो ऑडिटर्स हैं, जो ICAI से ऑडिटर ऑडिट ऑडिट करने वाली चीज़ें हैं या फिर ऑडिटर हैं, उनके ऊपर कोई एक और अथॉरिटी हो जो तो उनकी देख रेख करे, यानी वो कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उस पर वो बताए, या फिर स्टैंडर्ड्स में कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको ठीक करवाए, ऑडिट मार्केट में सही से हो रहा है नहीं हो रहा,
उस पर बातचीत करें, ठीक है। तो इसके पास अथॉरिटी थी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता था, थोड़ी बहुत चीज़ें देखता था, इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। बाकी सारा काम कौन करता था? ICAI, सर ICAI वापस जो भूल गए हैं, CA इंस्टीट्यूट, ये सारे काम ICAI के हैं, अभी भी हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझना, ये सारे काम ICAI के पास भी हैं, लेकिन सेक्शन 132 में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ी बहुत पावर दी गई थी कि अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप भी ऑडिटर को, मान लो मैं ऑडिटर गलती कर रहा हूँ कुछ, तो मेरे को ये लोग भी एक्शन ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, ठीक है। इसका एक सेक्शन भी है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, उसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एक CA को मना कर सकते कि तू आज के बाद ऑडिट नहीं करेगा इसका, ठीक है। बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीच बीच में इंटरफेयर कर सकती है। तो हुआ क्या, 2022 पता नहीं 21 में, मतलब उससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि मैं नफरा लाने वाला हूँ। नफरा को इंट्रोड्यूस करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि हाँ मैं नफरा लाऊंगा, हम लेके आएंगे, आज नहीं तो कल लेके आएंगे। बस ये चला हुआ था, इस सेक्शन में लिखा हुआ था ये चीज़ कि हाँ भाई नफरा आएगा। पहले तो सारी पावर CG के पास थी कि हाँ भाई जो भी चीज़ें हैं, देख रेख है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ये सब देख रेख CG करेगा, सारा काम तो ICA के पास है, बट CG के पास भी पावर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, और ये भी पावर थी कि कोई अथॉरिटी बनाएगा। फिर सेक्शन में अपडेट ऐसा हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुई कि हाँ भाई एक नफरा नाम की, ठीक है, अथॉरिटी बनेगी कल को, इतना लिखा होता सेक्शन में अपडेट करके। फिर नफरा नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी। फिर 2021-2022 में, इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे भी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उस टाइम क्या करा, एक एक स्कैम हुआ था नीरव मोदी वाला, आपको पता है 900 करोड़ का, पता नहीं 1100 करोड़ का था जो स्कैम। उसके बाद थोड़ा सा और सरकार उसमें आई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा चलो यार बहुत हो गया, हम अथॉरिटी को बना ही देते हैं। तब जाके नफरा अथॉरिटी को उन्होंने बना ही दिया एट द एंड, ठीक है। तो अब क्या है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नफरा करेगी, बड़ी बड़ी चीज़ें अभी क्या करेगी वो आगे हम पढ़ेंगे, मैं आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं घुस रहा, जो आपकी बुक में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है उतना नहीं घुस रहे हम, जो रेलिवेंट है ये इंडिया के हिसाब से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इतना, ठीक है। उसके बाद क्या करा भाई, नफरा को बना दिया गया अथॉरिटी को कि हाँ भाई ठीक है, अब आप देख रेख करोगे कि हमारी कंट्री में जो ऑडिट हो रहा है, जो स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप भी देख रेख करोगे। तो बहुत सी पावर क्या कर दी, इसकी पावर इनको दे दी गई, ठीक है, एक तरह से दे दी गई। अभी हम पढ़ेंगे कैसे, लिखा नहीं हुआ ऐसा, लेकिन एक तरह से दे ही दी गई है। चलिए इतना समझ में आ गया आपको, अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आगे जाते हैं, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा है ना वो इतना ही है, इसकी डेफिनेशन के लिए सफिशेंट है। चलिए, NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया, देखो इंडिया लिखा है ना, तो हम यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, टू स्ट्रेंथन ओवरसाइट, ओवरसाइट मजबूत करने के लिए, ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाने के लिए, यानी सारी देख रेख करने के लिए ऊपर बैठ के, ओवर द ऑडिटर्स, ये देखो ये है मेन पॉइंट, किसके ऊपर, ऑडिटर्स के ऊपर, ऑडिटर्स के ऊपर ये अपनी निगाहें बना के रखेगी, कौन क्या काम कर रहा है, गलती तो नहीं कर रहा है, ठीक है, और किसको कितने लेवल का ऑडिट करना चाहिए या फिर कर सकता है, आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसमें आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और टेक्निकल भी है थोड़ा सा। हु हैव कम अंडर द क्रिटिसिज्म फ्रॉम द क्वार्टर इन द वेकअप ऑफ द PNB फ्रॉड, देखो PNB फ्रॉड हुआ था उसके बाद आया था ये, उसके बाद ये लाने वाले थे सेक्शन 132। अब PNB फ्रॉड जो आप है ना, वो PNB फ्रॉड रिलेटेड उसी से ही था, नीरव मोदी से रिलेटेड था वो, उसमें किसका नाम आया था, PNB का,
इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, नफरा सेक्शन 132 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आया क्या करने के लिए, स्ट्रेंथन एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म ओवर ऑडिटर। आपको यहाँ पे कितने बड़े याद रखने हैं, स्ट्रेंथन ओवरसाइट मैकेनिज्म ऑन ऑडिटर, ठीक है। आप 132 लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इतनी कोई जरूरत नहीं है। अब ये अथॉरिटी क्या क्या करेगी, देखो ये रिकमेंडेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फॉर्मुलेट करे कुछ ऐसी अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। देखो वैसे तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, AS पढ़े हैं आपने अकाउंट में, और ऑडिटिंग में हम ऐसे बार बार थोड़ा बहुत आपके कोर्स में है, थोड़ा बहुत वो हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं बीच बीच में। तो उन पे अगर कोई रिकमेंडेशन होगी, इनको लगेगा इस अथॉरिटी को कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ें आनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, नफरा उस चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि हाँ सर आप ये चीज़ कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पता क्या होता है, ये देखो यहाँ पे सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी ना, तो इसको अगर कुछ चीज़ इसके ध्यान में आएंगे रिकमेंड करना होगा तो वापस वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। इसने क्या करा है, सिंपली अपने जगह पे इसको बिठा दिया, एक अथॉरिटी बना दी कि तू काम कर, बस इतना ही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मॉनिटर करेगा, एनफोर्स करेगा कंप्लाइंसेस, जो भी कंप्लाइंसेस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनको मॉनिटर करेगा, ओवरसी करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये ऑडिटर के ऊपर लग रहा है, तो ऑडिटर के सर्विसेज कैसी दे रहा है, ऑडिटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपने अपने फील्ड में जो CAs बैठे हैं इतने सारे मार्केट में वो काम ढंग से कर रहे हैं, सही से ऑडिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो ये उनको भी लताड़ सकता है, और लताड़ता भी है, ठीक है। परफॉर्म सच अदर रिलेटेड, जो भी रिलेटेड कुछ फंक्शन होंगे, ऑडिट से रिलेटेड फंक्शन होंगे, स्कैम हो रहा होगा जो भी मार्केट में अगर कुछ ऐसा, तो उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें नफरा देखेगा। ये ना अभी आपको और क्लियर होता चला जाएगा, टेंशन ना लो। पावर ऑफ NFRA, देखो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक में भी मैंने रेलिवेंट चीज़ें कवर करी हैं, इतना कुछ दे रखा है, ठीक है, मैंने इतना कवर कर रहा है, इतना कवर कर, इतना देर का इतना कवर करा, ज़्यादा कवर करा आज की क्लास में, और आपके पेपर में इतना ही आता है बस। और बल्कि इन दोनों में से ना क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, दोनों टॉपिक में से, नफरा में से भी और PCAOB में से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट हमारे कोर्स में आए तो हम पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ये शायद टॉपिक नया है, 1-2 साल पहले ही आया, तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए, और मैं आपको थोड़ा जर्नल और थोड़ा टेक्निकल दोनों को मिला के पढ़ाऊंगा। बिल्कुल टेक्निकल चला जाऊंगा CA वाले लोगों की तरह, वो भी फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल ही जर्नली पढ़ा दूंगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं, आप लिख नहीं पाओगे। थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा जर्नल पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम इस चीज़ को करते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्त। क्योंकि कई बच्चों के मन में बाद में क्वेश्चन आता है, सर ये तो आपने ज़बरदस्ती करा दिया, कोर्स में नहीं है फलाना ढिमका, तो दोस्त ऐसे नहीं होती, चीज़ें हर तरीके से चलती हैं। मुझे ये भी देख कर चलना है कि आपको कोर्स में मैं एक भी चीज़ ना छुड़वाऊँ, और ये भी देख कर चलना है कि आपको पेपर में कभी अगर गलती से भी कोई चीज़ आया है तो ये ना हो कि आपने वो करा ना हो, ठीक है। चलिए बहुत हो गया लेक्चर बाजी, पढ़ते हैं। पावर क्या है, पावर जो आपने यहाँ पढ़ा था ना मोटा मोटी, ठीक है, जो जो इसके काम थे वही इसकी पावर भी है, घुमा फिरा के, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। चलो ये तो सेपरेट हो गया, अच्छा पॉइंट है, प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट क्या होते हैं सर, ये CAs के ऊपर ना CA Act 1949 अप्लाई होता है, तो उस एक्ट में ना 20-25 पॉइंट ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, जो CA के ऊपर है कि CA को क्या क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है। तो अगर उन पॉइंट्स को CA नहीं करता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म उसको कंप्लाई नहीं करती है, तब बोलते हैं कि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहा है, प्रोफेशनल और अदर, बहुत सारे पॉइंट देखे, कुछ को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोलते हैं, कुछ को अदर मिसकंडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये उनकी बात कर रहा है जो ICAI Act में दे रखे हैं, लिख देता हूँ ICAI, ऐसे मत लिख लो, ऐसे लिख लो, CA Act 1949, इसमें कुछ दे रखे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो करता है
तो उसके ऊपर नफरा भी सुवो मोटो इसके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगा सकती है, ऑल दो ये लिखा हुआ सी एक्ट में और इसको देख रेख करता है आईसीएआई, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे नफरा ज्यादा पावर हो, नफरा के पास पावर आ जाएगी आईसीएआई के ऊपर। कई सारे काम ये आईसीआई करता था पहले, जब तक नफरा नहीं आया था। आईसीआई अभी भी करता है, लेकिन अब कुछ जगह नफरा करता है, कुछ जगह आईसीआई करता है। आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लेना। जब तक तो भैया मैं इसकी लिमिट समझाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी ये समझ लो कि ये क्या करेगा, नफरा भी बीच में आके सीए को पकड़ सकता है कि भाई तूने ढंग से काम नहीं करा, चल इधर आ, तेरे पे मिसकंडक्ट लगाएंगे, तेरे पे इतनी पेनल्टी लगेगी, तेरे को इतने दिनों के लिए तेरा सस्पेंड कर देंगे लाइसेंस, जो सर्टिफिकेट सीओपी पढ़ा था ना, सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो तेरा कैंसिल कर रहे हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल या फिर हमेशा के लिए, ठीक है। ये करेगी वो, चाहे कोई भी हो, कोई सीए हो, सीए फॉर्म हो, उन पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है नफरा, ठीक है। और क्या है, सच इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड इधर सुवो मोटो, ये देखो लास्ट वाला पॉइंट देखो, वो इन्वेस्टिगेशन चाहे तो सुवो मोटो, सुवो मोटो पता है आपको, बताता हूँ अभी, चाहे तो सुवो मोटो कर सकती है या फिर रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉइंट देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये याद रहेगा, टेक्निकल पॉइंट है, तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो अपने आप याद आ जाएगा। नफरा में क्या होता है ना, चाहे तो उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिकायत की दी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना, अब आप ये सोचोगे, देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जाएगा, सर सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपनी जगह नफरा को रखा है, तो अब नफरा के पास सेंट्रल गवर्नमेंट शिकायत क्यों लेके जाएगा। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड इधर सुओ मोटो और रेफरेंस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया नफरा को कि तू भैया इसका इन्वेस्टिगेशन कर। तो सर एक बात बताओ, हमारे मन में ये डाउट आ रहा है सर कि नफरा तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नफरा के पास क्यों जा रही है कि तू इसकी इन्वेस्टिगेशन कर। देखो क्या होता है दोस्त, सेंट्रल गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, ठीक है, उसके पास जरूरी नहीं है कि जो आईस जो कंपनीज एक्ट है यहाँ पे, यहाँ से शिकायतें जाएं या फिर कहीं से आईसीआई के द्वारा शिकायतें जाएं, इसके पास कहीं से भी शिकायत जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी को कोई भी शिकायत कर सकता है, किसी और एक्ट के हिसाब से आ सकती है, कोर्ट में केस चला गया, सिंपली किसी कंपनी के डायरेक्टर का केस कोर्ट कोर्ट में चला गया और उसकी वजह से कंपनी की ऐसी ऐसी गलतियां निकल के आई कि कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, फिर नफरा को बोला कि तू इनका इन्वेस्टिगेशन कर, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शिकायतें कहीं से भी आ सकती हैं, वो कहीं से भी सेंट्रल गवर्नमेंट उन शिकायतों पे या फिर उस कंपनी की गलत हरकतों पे, फ्रॉड पे संज्ञान ले सकता है खुद भी। तो वो खुद क्या करेगा, खुद भी बोलेगा नफरा एक काम कर, एक ना पीएनबी ने ना फ्रॉड मारा है, ठीक है, 900 करोड़ का, 1100 करोड़ का, तो एक काम कर तू ना उसका इन्वेस्टिगेशन कर, ठीक है। ये तो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। एक होता है सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब खुद से, नफरा खुद से भी इन्वेस्टिगेशन करा सकती है उस किसी ऑडिटर का, कंपनी का। वैसे यहाँ पे खुद से, ठीक है, ऐसा लिखा भी हुआ, देखो बाय इटसेल्फ लिखा तो हुआ है, बाकी ध्यान रखने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये पहली पावर हुई। अगली पावर देखो, सेम पावर जो कि सिविल कोर्ट के पास होती है वो किसके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी इसके पास, नफरा के पास। अब सर सिविल कोर्ट क्या, सिविल कोर्ट क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, जो आपके एरिया में कोर्ट वगैरह बनते हैं ना, जैसे दिल्ली में है रोहिणी कोर्ट हो गया, पड़पड़गंज कोर्ट हो गया, छोटे छोटे सेशन कोर्ट बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैटर जाते हैं, फैमिली मैटर चले गए, ठीक है, या फिर कोई क्रिमिनल मैटर भी चला गया, तो कोर्ट के पास बहुत सी क्या पावर होती हैं कि वो जा कह सकता है कि पुलिस वाले को चलो इसके इसके इन्वेस्टिगेशन इसके घर पर ना इन्वेस्टिगेशन करके आ, या फिर क्लाइंट को बुला सकता है, मतलब बंदे को बुला सकता है कि समन कर सकता है, समन मतलब बुलाना कोर्ट में हाजिर होने के लिए, चल भाई कोर्ट में हाजिर हो जाइए, कल नोटिस आ जाता है। अगर किसी को पता है आसपास किसी का नोटिस आया हो, तो कोर्ट का नोटिस क्या होता है, समन नोटिस, यानी कोर्ट में पेशी है, तेरे को आना है, ठीक है। तो कोर्ट की भी कई सी कई सारी पावर वो नफरा के पास होती है, जब नफरा को लगता है कि ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। सिविल कोर्ट कौन सी पावर होती है, वो डिस्कवरी कर सकता है और प्रोडक्शन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट जो उसको गलत लग रहा हो, यानी कोर्ट से नफरा ये बोलेगा कि
कि अपना किताबें लेके आ, हमारे पास पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स अकाउंट सब लेके आ हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्शन करवा सकता है, मतलब अपने पास प्रोड्यूस करवा सकता है, मंगवा सकता है, लेके आ भाई। डिस्कवरी यानी ढूंढ, ढूंढवाने के भी बोल सकता है कि ढूंढ के लाओ इसके घर से, इसके घर से प्रॉफिट एंड लॉस यानी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट ढूंढ के लाओ, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल की, ठीक है। समन, समन मैंने बता ही दिया अभी आपको, समन भाई कि भाई यहाँ पे आ, नफरा हमारे हमारे यहाँ पे आ, ऑफिस में आ, हमारी इस बिल्डिंग में आ, ठीक है। तेरा केस है मंगलवार को इतनी तारीख को इतने बजे तेरे को उपस्थित होना है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन भाई कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को वो इंस्पेक्ट करवा सकता है, यानी आपके ऑफिस में जाके उसको निकलवा सकता है, इंस्पेक्ट करवा सकता है। अगला, वेयर द प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड, अगर प्रूव्ड हो जाता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है तो क्या क्या कर सकता है उस इंडिविजुअल के ऊपर। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, अगर वो अकेला सीए है, जो ऐसे मैं अकेला अपना सीए का काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक तो सीए अकेला हो गया, इंडिविजुअल हो गया, या फिर एक उसकी फर्म हो गई, तो अगर एक अकेला सीए है तो उसके ऊपर वो कितनी पेनल्टी लगा सकता है, 1 लाख से 5 गुना फीस रिसीव्ड, 1 लाख मिनिमम और मैक्सिमम जितनी उस सीए ने उस कंपनी का काम करने के लिए फीस रिसीव की थी उसका 5 गुना, ठीक है, उतनी फीस लगा सकता है, यानी मिनिमम है, ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। अगर फर्म है, ये हो गया इंडिविजुअल, ये हो गया, अगर मान लो फर्म है तो कितने पेंडे लगा सकता है दोस्त, वो इसकी जगह 5 लाख और 10 गुना, डबल लिमिट उसने कर दी 5 की डबल और 1 लाख ही कर दिया, 5 लाख, ये 5 लाख है, इसने प्रिंटिंग में हो गया वह कोमा है, ठीक है। अगला, वेयर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट प्रूव इट शेल हैव पावर टू डी बार द मेंबरशिप, देखो ये दोनों पावर इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी हो जाएंगे अपने आप। वो मैंने आपको बीच में बोल भी दिया था कि अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है तो नफरा क्या करेगा, उस सीए का सीओपी 6 महीने के लिए या फिर 10 साल तक के लिए कैंसिल कर देगा, सस्पेंड कर देगा कि भाई अब तू काम नहीं कर सकता, तूने ना बहुत घपला किया है, तूने नीरव मोदी की बुक्स ऑफ अकाउंट सही दिखा दी, उसने पीएनबी के पैसे खा लिए और पीएनबी भी उसमें इंक्लूड था, तो पीएनबी के ऑर्डर को भी पकड़ लेगा और उसके ऑर्डर को भी पकड़ लेगा, नीरव मोदी को कौन पकड़ सकता है, नफरा, और उसके ऊपर पेंटी लगा सकता है, और साथ में उस सीए का जो आप फिल्मों में सुनते हो ना मेंबरशिप कैंसिल कर दिया, यानी सीओपी सस्पेंड कर सकता है 6 महीने से लेकर 10 साल तक, ठीक है, 6 मंथ से 10 ईयर। चलिए अब आता है कंपोजिशन ऑफ नफरा, अब नफरा में कितने लोग होंगे, नफरा का जो ये अथॉरिटी है, बोर्ड है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, उसमें कौन कितने लोग होंगे, कितने लोग काम करेंगे। देखो दोस्त, इसमें क्या होगा, आपके 15 लोग होंगे इस अथॉरिटी में, एक का मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी इस अथॉरिटी में कितने लोग होंगे, 15, पंद्रह मेंबर होंगे, ठीक है। और 15 मेंबर कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे होंगे, एक होगा चेयरपर्सन, सबका उन 15 मेंबर में सबका लीडर होगा, मतलब मेन बंदा जो होगा, हेड होगा, उस हेड को बोलेंगे चेयरपर्सन। 3 फुल टाइम मेंबर होंगे और बाकी बचे कितने, 3 और 1 4, 4 और 9 कितने हो गए, 13, और 2 और थे यहाँ पे आपकी बुक में नहीं दे रखा, बताओ, तीन फुल टाइम और 2 था पार्ट टाइम, पार्ट टाइम नहीं दे रखा आपकी बुक में, कैसे करूँ, और 4 13, आप ना इसको 9 को ना क्या कर लो, 11 कर लो, वैसे ये ना यहाँ से उठाया भी नहीं हुआ, 11 पार्ट टाइम, अब हो गया आपके पूरे 15 मेंबर।
आप कहोगे सर वो दो का तो कैसे गड़बड़ हो गया। देखो दोस्त, दो का पता क्या था, दो मेंबर ना थोड़े स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक यानी जो चेयरपर्सन के बाद ना ऐसे दो मेंबर बैठते हैं, होते वो इसी के अंदर ही हैं। जो बाकी मेंबर थोड़ी सी ज्यादा पावर रखते हैं, ये इंटरनल बात बता रहा हूँ जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली होता है। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये मान के चलो एक चेयरपर्सन होता है, तीन फुल टाइम मेंबर होते हैं और बाकी सारे बच गए वो पार्ट टाइम मेंबर में आप डाल दीजिए। ये वैसे आपके पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला सेक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनो, बस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेन याद रखना, बस 15 मेंबर, 15 मेंबर होते हैं नफरा के कमेटी में या फिर अथॉरिटी में, ठीक है। अब इनका जो अपॉइंटमेंट होगा ना, इनके अंदर होना क्या चाहिए, जो 15 मेंबर है इनके लिए होना, इनके अंदर क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए इनकी। देखो दे शुड हैविंग एक्सपर्टीज इन, ये 15 मेंबर या तो देखो अकाउंटिंग के एक्सपर्ट होने चाहिए, या फिर ऑडिटिंग के एक्सपर्ट होने चाहिए, या फाइनेंस के एक्सपर्ट होने चाहिए, या फिर किसी लॉ के एक्सपर्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है 15 मेंबर कहीं से उठा लिए, मुंह उठा के पहुंच गए, एक्सपर्ट होना चाहिए। और इनके पास 15 साल का ना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है, देखो आपकी बुक में ही नहीं है। चलो नहीं लिखा तो नहीं पढ़ रहे, मैं आपको बता रहा हूँ इनके पास कम से कम अपने फील्ड में, चाहे वो अकाउंटिंग में काम कर रहे हो तो अकाउंटिंग में, किसी लॉ में काम कर रहे हो यानी मान लो लॉयर ही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर कंपनी सेक्टर में काम कर रहे हो, या फिर फाइनेंस, कोई फाइनेंस में काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में जो काम कर रहे हो, 15 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनको, ठीक है। खासकर ये जो ये थे ना, ये वाले फुल टाइम, इनके लिए 15 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखना, ये ज़रूरी नहीं है आपके कोर्स के लिए, रेलिवेंट नहीं है, जितना है उतना मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दे आर रिक्वायर्ड टू मेक डिक्लेरेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जब ये मेंबर चुने जाते हैं एक बार, तो इन सबको ना सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन भी फाइल करनी होती है। ये मेंबर जब अपॉइंट होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट से पहले ये एक डिक्लेरेशन फाइल करते हैं। सर क्या डिक्लेरेशन फाइल करते हैं? डिक्लेरेशन फाइल करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी के दबाव में नहीं है, ये और ये काम करने के लिए रेडी हैं, नफरा का मेंबर बनने के लिए रेडी हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे समझ में आएगा वो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ आपको, टेंशन ना लो। देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, जो भी ये मेंबर होंगे ये यहाँ पे ना फुल टाइम काम करेंगे, कहीं और काम नहीं कर सकते। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुनो, शुड नॉट बी एसोसिएटेड एनी ऑडिट फर्म, और ये किसी ऑडिट फर्म में नहीं रहेंगे अपने जब तक ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्लस 2 ईयर काम छोड़ने के बाद। मान लो नफरा में किसी का केस फंस गया, किसी ऑडिटर का, ठीक है, अब वो ऑडिटर के ऊपर उस ऑडिट फर्म में नफरा का कोई बंदा उस ऑडिट फर्म में काम नहीं किया होना चाहिए पहले कभी। और ये मान लो इनमें से कोई भी मेंबर छोड़ के अगर चला भी गया ना, तो जब ये छोड़ के गया, इनमें से कोई भी मेंबर छोड़ के गया, छोड़ के जाने के बाद भी 2 साल तक किसी फर्म में, जिस फर्म का केस चला है नफरा के अंदर, उस फर्म में वो ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए दोस्त, ठीक है, समझ में आ गया आपको तीनों पॉइंट, दोबारा बता देता हूँ। उनके पास किसी ना किसी फील्ड की अकाउंटिंग की, टैक्स की, फाइनेंस की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बोलता है, उनका कोई भी लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी के दबाव में, किसी के बायसनेस में वो काम नहीं करने चाहिए। साथ में लास्ट पॉइंट, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, वो किसी फॉर्म में, जो भी उस फॉर्म का को केस आता है, चाहे वो चेयरपर्सन हो चाहे मेम्बर हो कोई भी, उनमें से किसी उस फॉर्म में उस सीए के पास काम नहीं करे होना चाहिए। प्लस मान लो वो जब भी छोड़ते हैं उसके बाद भी अगले 2 साल तक जिनका केस नफरा में चला है, जिन ऑडिटर फर्म को नफरा ने पकड़ा है, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है, उन फर्म्स में, उन सीएस के पास कोई भी मेंबर, इनमें से कोई भी चेयरपर्सन या फिर मेंबर काम नहीं कर सकता, ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब देखो, नफरा
अब है ये भी एक मेन पॉइंट, पहले बता चुका हूँ पेपर में इतना आता नहीं है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही आपका आता है कि नफरा किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या सारे ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल है? क्या सारी कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल है? जी नहीं, लिमिट दे रखी है नफरा के अंदर कि किस किस पे एप्लीकेबल है। पहला, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, लिस्टेड कंपनी जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, जो अपने शेयर मार्केट में खेलते हैं ना, शेयर परचेस सेल करते हैं उनके, तो उन लिस्टेड कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल है। सेकंड, अगर वो लिस्टेड नहीं है, नॉर्मल कंपनियां हैं, किसी उनके शेयर मार्केट में नहीं बिकते, अनलिस्टेड कंपनी है, तो उनका पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। किसी कंपनी में फ्रॉड चल रहा है ना, तो उस कंपनी में पेड अप कैपिटल कम से कम 500 करोड़ होगा, तभी उसके ऊपर नफरा एप्लीकेबल होगा, यानी नफरा तभी उसको पकड़ सकती है। छोटी कंपनी तो उसको वहां पे वो कौन जाएगी, उसके ऊपर कौन देख रेख करेगा? ICAI। थर्ड पॉइंट है अगेन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, या तो टर्नओवर 500 करोड़, सॉरी पेड ऑफ कैपिटल 500 करोड़ हो, या फिर क्या हो, टर्नओवर हो 1000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, अगला पॉइंट, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग, या फिर वो उसके पास क्या हो, लोन डिबेंचर जो भी, ये सब लोन के फॉर्मेट ही होते हैं अलग अलग, वो 500 करोड़ या 500 करोड़ हो, कब? एट द लास्ट डेट ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब बैलेंस शीट में, कहने का मतलब क्या है, बैलेंस शीट में 500 करोड़ लास्ट में उसके आपको दिखे। ठीक है, दोबारा पढ़ लें, या तो लिस्टेड कंपनी हो, एक मिनट होल्ड करना, चलिए, या तो वो लिस्टेड कंपनी हो, या फिर वो अनलिस्टेड कंपनी हो जिनका पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो, या फिर उसका अनलिस्टेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी चाहे कितना भी पेड अप हो, कम भी हो तो भी चलेगा, वैसे लिस्टेड कंपनियाँ बड़ी कंपनियाँ होती है, छोटी मोटी कंपनी को लिस्टिंग होती ही नहीं है। बड़ा लिस्टेड कंपनियाँ कम कम टर्नओवर है उनका, कम पेड अप कैपिटल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनलिस्टेड कंपनियाँ जिनका पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, वो होंगी, वो आएंगे किसमें, नफरा के ज्यूरिडिक्शन के अंदर लास्ट, या फिर उसने लोन लिया हो और वो लोन एडवांस डिबेंचर डिपॉजिट बैलेंस शीट के एंड में एग्जिस्ट कर रहा हो, कितने का, 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का। अगला क्या है, इंश्योरेंस कंपनी जो मर्जी हो, बैंकिंग कंपनी, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में हो, ये कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, LIC वगैरह हैं, और भी HDFC अर्गो वगैरह हैं, जो भी इंश्योरेंस कंपनियां बनी हुई हैं ना हमारे इंडिया में, या फिर जितने बैंक हैं, उन सब पे नफरा का कंट्रोल होता है, यानी नफरा उन सबको, उन सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकता है, वो लोग नफरा के अंडर आते हैं। अगला, बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच इज सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी। देखो को पढ़ोगे ना तो क्या आएगा कि अगर कोई कंपनी बाहर रजिस्टर्ड है, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, सॉरी, ठीक है दोस्त, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाहर है, बाहर यानी आउटसाइड इंडिया है, वो चाहे सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो, कोई भी हो, कौन सी कंपनियों की, जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, कब, इफ द नेट इनकम या फिर नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी नेट वर्थ ऑफ सच सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ द कंपनी एक्सीड 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम एंड कंसोलिडेटेड नेटवर्थ। सर ये समझ में नहीं आया, सुनो, मान लो इंडिया में कंपनी है टाटा, टाटा लिमिटेड, ठीक है दोस्त, टाटा लिमिटेड, ये कहाँ पर है, ये है इंडिया में, ठीक है, अब इसके सब्सिडरी है, मान लो सब्सिडरी
डरी, एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, तीन सब्सिडरी, सब्सिडरी एक, ये मान लो ये हो गई यूएस में, ये हो गई यूके में, एक हो गई मान लो जर्मनी में, ठीक है। इंडिया में तो है ही टाटा, टाटा ना, रतन टाटा जी है ना हमारे, ठीक है। अब उनकी ये कंपनी मान लो कहीं भी है, बहुत सारी कंट्री में टाटा काम करती है, ठीक है। उनके सब्सिडरी बनी हुई है, सब्सिडरी तो समझते हो ना, कि एक कंपनी के पास जब 50-51% से ज़्यादा शेयर हों दूसरी कंपनी के, तो जो दूसरी कंपनी है उसके जो मतलब बड़ी कंपनी है जिसके पास शेयर हैं वो उसकी होल्डिंग कंपनी होती है। ये क्या होगी, होल्डिंग कंपनी, लिख देता हूँ कुछ बच्चों का, अगर ये भी नहीं पता होगा तो उनके लिए इजी हो जाएगा समझना। अगर बाहर कोई कंपनी है, ठीक है, जो उसकी सब्सिडरी है टाटा की, वो सारी कंट्रियों के मिला के, तो ये जो सब्सिडरी है ना इनके ऊपर भी नफरा अप्लाई होता है, यही नफरा इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, देख रेख कर सकता है अपनी, ठीक है। इसके 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 ऊपर कब, जब इनका मान लो इसका इस साल का टर्नओवर है मान लो 160 करोड़, ठीक है, या और नेटवर्थ है मान लो, नहीं पहले ये समझ लो, इस टोटल के टर्नओवर का मान लो इसके पास, इस टोटल के टर्नओवर का इसके पास मान लो 20%, कितना हो 160 का 20%, 16 दूनी 32, 32 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ इस सब्सिडरी से आता है, तो इस वाले को भी, यानी ये बड़ी कंपनी होगी, इस वाले को भी नफरा नफरा इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 32 करोड़ यानी 20%, मान लो ये सिर्फ 4 करोड़ बिजनेस यहाँ से आता है, बिजनेस कह रहा हूँ, 4 करोड़ का टर्नओवर यहाँ से आता, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, इस पे अप्लाई हो जाएगा कौन सी सब्सिडरी जो यूएस में बैठी है, ठीक है। या फिर नेटवर्थ, नेटवर्थ मान लो पूरे टाटा ग्रुप की नेटवर्थ तो बहुत है, लाखों करोड़ है, मान लेते हैं अभी के लिए 5,000 करोड़, 5,000 करोड़, ठीक है। तो 5,000 करोड़ का मान लो इसके इसके जो नेटवर्थ है सिर्फ इस कंपनी का, ये है इसका 20%, मान लो 5 दुनी 10, कितना आया, 100, 1,000 करोड़। तो इसके ऊपर भी नफरा एप्लीकेबल हो जाएगा, अब समझ गए। टोटल का 20% उस एक सब्सिडरी का है अगर, या फिर नेटवर्थ का 20% है, या फिर टर्नओवर का 20%, तो उस पे भी अप्लाई हो जाएगा नफरा के प्रोविजंस, ठीक है दोस्त। ये था ये वाला पॉइंट, वापस सारे पॉइंट पढ़ लें, किस किस पे एप्लीकेबल होता है नफरा, या तो लिस्टेड कंपनी हो उस पे, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका टर्नओवर 1,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो, या फिर अनलिस्टेड कंपनी है उसका कोई लोन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, लोन डिबेंचर डिपॉजिट बैलेंस शीट के एंड में, देखो इसमें ये दिक्कत थी, पेड अप कैपिटल तो देखो कभी भी हो सकता है, साल में मान लो पेड अप कैपिटल 500 करोड़ से बढ़ा दिया और बीच में 500 करोड़ से कम कर दिया, बैलेंस शीट के एंड में 490 करोड़ ही बचा है पेड अप कैपिटल, लेकिन साल के बीच में ना 500 करोड़ से ऊपर पहुंच गया था, तो भी वो इसमें आ जाएगा नफरा के दायरे में। ऐसे टर्नओवर, टर्नओवर तो पूरे साल का ही होता है, तो वो तो 1,000 करोड़ से ऊपर जाएगा तभी एप्लीकेबल होगा। लोन में क्या दिक्कत है दोस्त, लोन में ये इशू है कि वो बैलेंस शीट की डेट पे 500 करोड़ का लोन होना चाहिए, बैलेंस शीट की डेट पे कहाँ पे लिखा है, इमीडिएटली प्रोसीड आउटस्टैंडिंग लोन इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियली, इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब है यहाँ पे लिख लो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है एट बैलेंस शीट डेट, अगर लिखना है तो साल में 1,000 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, मान लो बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नीरव मोदी ने लिया ना, पता नहीं कितने 1,000 करोड़, 9,000, पता नहीं 9,000 करोड़ था, कितना करोड़ था उसका,
9,000 या 11,000 से कुछ था, 900 था 9,000 था, जो भी था। मतलब पॉइंट इज कि साल के बीच में मान लो कंपनी ने लोन लिया 1,000 करोड़ का, और उसने 700 करोड़ पे भी कर दिया उसी साल में ही, बचा 300 करोड़। बैलेंस शीट के एंड में 300 करोड़ बचा ना, तो एप्लीकेबल नहीं होगा। बैलेंस शीट की डेट पे अगर 500 करोड़ से ऊपर जाएगा लोन, तो उसके ऊपर नफरा के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है दोस्त। उसके बाद कहता है इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों के ऊपर नफरा के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी कंपनी है जो बाहर बाहर बनी हुई है, इंडिया के बाहर अगर बनी हुई है, तो उस कंपनी का अगर टर्नओवर पूरी की पूरी कंसोलिडेट कंपनी का 20% है, तो उस पर भी नफरा एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर नेटवर्थ पूरी की पूरी कंपनी के, जो नेटवर्थ है, जो औकात है पूरी की पूरी कंपनी की, मार्केट कैपिटल है पूरी पूरी कंपनी का, उसका 20% किसी एक बाहर वाली सब्सिडरी के पास है, तो उस पर भी नफरा के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। नफरा उसको भी पकड़ सकता है। ठीक है दोस्त। नफरा वर्सेस ICAI, देखो अभी हुआ क्या। पहले पहला पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद में ना आपको समझाता हूँ। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, सुन लो। पहले पॉइंट में तो क्या लिखा है, पहले पॉइंट में ये लिखा है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच कंडीशंस लिखी हैं, पांच नहीं, छह की छह कंडीशन लिख दी घुमा फिरा के इस पहले पॉइंट में, और ये बोल दिया इनके ऊपर तो नफरा एप्लीकेबल होता है। वो पांचों कंडीशन ना बस पैराग्राफ में लिख दी, और ये लिख दिया इनके ऊपर, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय नफरा, NFRA। देखो लिख दिया लिस्टेड, अनलिस्टेड, कौन से 500 करोड़ वाली, 1,000 करोड़ वाली कंडीशन दे दी, 500 करोड़ वाली कंडीशन दे दी, इंश्योरेंस बैंकिंग दे दिया, और सब्सिडरी दे दी कहाँ की, जो कि बाहर बाहर सिचुएटेड है, 20% वाली सारी कंडीशन दे दी कि इन पे तो नफरा एप्लीकेबल है, तो इनको छोड़ के जो बाकी कंपनियां बची हैं, जो इससे छोटी कंपनी है, उस पे सार उसकी देख रेख, उसके ऊपर ओवरसाइट कौन करेगा, ICAI करेगा उस पे। समझे अब। यानी जो स्कोप है वो नफरा का बड़ी कंपनियों पे हो गया, और ICAI का छोटी कंपनियों पे रह गया। ICAI का काम अभी खत्म नहीं हुआ। ICAI भी अभी क्या करता है, अभी भी एक्चुअल में ICAI के जो बड़े बड़े CAs हैं, वो ही SAs या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में, या फिर कह लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, और बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इन पे ICAI अपने रिकमेंडेशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि नफरा में अच्छे अच्छे बंदे बैठे होंगे, उसमें भी यही बैठे होंगे, वो फाइनेंस के बंदे बैठे होंगे, और जो मेन है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है, वो तो CA नहीं करी है, और CA कहाँ से करी है, ICAI से करी है। तो बहुत से CA ऐसे होंगे जो नफरा में होंगे, जिनके पास 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, अच्छे खासे एज के बंदे यहाँ पे बैठे होते हैं। ठीक है दोस्त, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अथॉरिटी। नफरा काम करती क्या है, नफरा प्रोटेक्ट करती है पब्लिक इंटरेस्ट को, क्या कि पब्लिक इंटरेस्ट का प्लस इन्वेस्टर, क्रेडिटर एंड अदर एसोसिएटेड, यानी बाकी स्टेक होल्डर पे के बेनिफिट के लिए, ताकि उनका हक ना मारा जाए, उसके लिए नफरा काम करती है। जैसा कि इतनी सारी जो स्कैम्स चले थे बीच में, उन स्कैम्स के स्कैम्स अपने आप हो जाते हैं, कंपनियां भी करती हैं, तो कंपनी फंसेगी, नफरा कंपनी को ही पकड़ेगी, और जो CAs जो हुए हैं, वो CA उन कंपनियों का वो जो स्कैम छुपाते हैं, वो CA भी पकड़े जाएंगे। समझे आप। तो नफरा क्या करेगी, इन सब पे ओवरसाइट करेगी। अगला पॉइंट, पीनल एक्शन। तो नफरा क्या कर सकती है भाई, पेनल्टी भी लगा सकती है। ठीक है, कोई भी मिसकंडक्ट होता है, तो नफरा नफरा के पास पावर है कि वो पेनल्टी भी ला सकता है, जो कि पावर थी ICAI के पास थी पावर। ICAI में पता क्या होता है, देखो दोस्तों, दो कमेटी होती हैं, एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, एक होता है कमेटी ऑफ मिसकंडक्ट, ऐसा कुछ होता है। दो कमेटी होती हैं, एक होती है जो छोटे केस संभालती है, 5 लाख तक के केस संभालती है, एक होती है उससे ऊपर के तक के केस संभालती है, अगर कोई CA गलती करता है तो। कौन, ICAI। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर बताता हूँ। ठीक है, ICAI के पास होते हैं बहुत सारे मिसकंडक्ट लिखे होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल एथिक्स हैं। ठीक है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 के भी 12 पॉइंट है, उसके बाद फिर चार तीन तीन पॉइंट है, फिर 2 पॉइंट है, फिर शेड्यूल 2 है उसमें 10 पॉइंट है, फिर 4 पॉइंट है, ऐसा करके बहुत सारे शेड्यूल्स दे रखे हैं, शेड्यूल में पार्ट दे रखे हैं। उन सारे पार्ट्स को एक CA को कंप्लाई करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि CA ना
नया ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी ले चुका हूँ, आपको बेशक ध्यान ना हो, सीए एक कंपनी का काम पकड़ने से पहले जो उस कंपनी का पहले वाला सीए था उससे बात करनी पड़ेगी, उससे एक लेटर लेना पड़ेगा कि हाँ भाई भाई अब मैं बन रहा हूँ सीए, तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ ये हमें करना पड़ता है, एक सीए को ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले ये कंपलसरी करना पड़ता है, ये नहीं करेगा तो उसका काम वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक प्रोफेशनल एथिक्स का एक पॉइंट है, इतने सारे पॉइंटों में से 25 26 पॉइंट है, उनमें से एक पॉइंट ये भी है। तो अगर ये सीए ने ये पॉइंट नहीं किया कंप्लाई तो उस पर आईसीआई पेनल्टी लगा सकता है, ठीक है, पेनल्टी लगा दे या डांट फटकार लगाए कि तूने क्यों नहीं किया काम, वो इसके ऊपर है। इसके अलग अलग जो कमेटी बनी है, दो कमेटी, उनमें से एक कमेटी में फंस सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है दोस्त, अब ये जो मिस अगर कोई मिसकंडक्ट किसी सीए ने किया तो नफरा के पास भी पावर है कि वो उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। अगला एडवाइजरी रोल, देखो ये भी सिंपल ही है, एडवाइज करना किसको, नफरा एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर एज आईसीआई विल एडवाइज नफरा। देखो कितना सही पॉइंट लिखा है, नफरा में जो बंदे बैठे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट जी, मोदी जी, मोदी जी हमें ना इस बार स्टैंडर्ड ना ये वाला स्टैंडर्ड लाने हैं, स्टैंडर्ड में ना ये चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी अब तो इंडियस आ गए हैं और बाहर की कंट्री में तो आईएफआरएस चल रहा है, तो आईएफआरएस को हम ला रहे हैं अपने इंडिया में, तो इस एक पर्टिकुलर आईएफआरएस में ना, आईएफआरएस इंडिया में एज इंडियस के नाम से आए हैं। थोड़ा बहुत समझा ही देता हूँ, चलो इंडियस और आईएफआरएस की भी थोड़ा सा, फिर हम क्या करेंगे ना, एक काम करेंगे अगला टॉपिक की क्लास नेक्स्ट रख लेंगे पीसीएओबी की, ठीक है। इस क्लास में नफरा ही समझ लिया हमने अच्छे से, अब वो क्लास आराम से हो जाएगी, उसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। तो समझते हैं, नफरा क्या करेगी दोस्त, नफरा रिकमेंडेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियस, हमारे इंडिया में तो इंडियस अप्लाई हो रहे हैं, मतलब आईएफआरएस को हम इंडियस बना के ला रहे हैं अपने इंडिया में, अगर उसमें थोड़ी सी कमियाँ होंगी तो उल्टा थोड़ा सा ऊपर नीचे करके सेम टू सेम आईएफआरएस जो अमेरिका में फॉलो होते हैं, यूके में फॉलो होते हैं, वो हम उठा के अपने कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, बस कुछ चीज़ों में छोटे मोटे चेंजेस करके। तो ये रिकमेंडेशन दी एक तरह से किसने दी, नफरा ने दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, बस नफरा को कौन देगा, नफरा को देगा आईसीआई। अब बताओ सीएस तो आईसीआई ही बनाता है, हम लोग सीए कहाँ से बनते हैं, आईसीआई के इंस्टीट्यूट से तो सीए बनते हैं, तो वहीं से तो लोग सीखेंगे, और वो जो बड़े बनेंगे कहीं जाके फाइनेंस में, अकाउंटिंग में कहीं काम करेंगे, काम कर कर आके 15 20 साल हो जाएंगे, उसके बाद वो नफरा में मेंबर बनेंगे, एट द एंड आएंगे तो वो यहीं से ही, ठीक है। तो आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ बता दिया। एडवाइस कौन करेगा, नफरा करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों करते हैं एडवाइस, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो लॉ बनाती है, कुछ चेंजेस वेंजेस आ जाते हैं, अगर कुछ सेक्स कंपनी सेक्ट में कुछ चेंज करना पड़ा, कंपनी सेक्ट को चेंज करने के लिए बहुत सारे लोग रिकमेंडेशन अपने देते हैं, आईसीआई भी अपनी रिकमेंडेशन देता है कि हाँ भाई ये सेक्शन ना सही नहीं है सर, आज के ज़माने के हिसाब से ये तो बहुत पुराना हो गया, आईसीआई रिकमेंडेशन देगा, एनएफआरए रिकमेंडेशन देगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट उस सेक्शन को चेंज करेगा, उसको पारित चेंज करवा के प्रेसिडेंशियल बोर्ड पूरा दोनों हाउसेस में पारित होते हैं और फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, तब जाके कोई लॉ चेंज होता है, ठीक है। ये मैं बहुत बड़े व्यू में बता रहा हूँ, आपको बस इतना याद रखना है, आईसीएआई एडवाइस करेगा नफरा को और नफरा एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए हम यहीं तक रेस्ट्रिक्ट रखते हैं, पीसीएओबी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों देखो, अब मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये समझाने में टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इंडिया के हिसाब से था और आपको सारी चीज़ें एक ही बारी में समझ में आ गई। देखो अब इसी चीज को ना, देखो अब मान लो इस कंपनी एक्स कंपनीज एक्ट की जगह हम क्या पढ़ेंगे, अब पीसीएओबी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो कुछ नहीं करना उसमें, इस कंपनी एक्ट की जगह रख देना है वहां पे ऑक्सिली एक्ट, ऑक्सिली एक्ट ही है ना भाई,
मैं भी देख लेता हूँ एक बार। ऑक्सली एक्टी है भाई, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो हम पढ़ेंगे ही पूरा पूरा। ठीक है, इसकी जगह ऐसे रख दो, इसकी जगह रख दो आप नफरा की जगह रख दो आप PCAOB, ICA की जगह रख दो, वहां का इंस्टीट्यूट क्या है, AICPA। समझ गए, आज हमने इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ऑक्सली इसकी जगह ऑक्सली एक्ट रख दो, ICA की जगह वहां का इंस्टीट्यूट क्या है, जो CA कराता है वहां का CA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, सी से क्या है, चार्टर्ड है पब्लिक अकाउंटेंट, सी से याद नहीं आ रहा मुझे यार। ठीक है चलो, वो तो हम पढ़ लेंगे, मैं आपको मोटा मोटा पॉइंट बता रहा हूँ, देखो समझो चीज़ों कितनी आसान है। अगर आपने आज का समझ लिया, नफरा समझ लिया, तो आपको PCAOB समझने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस कुछ टेक्निकल पॉइंट समझने पड़ेंगे, और टेक्निकल पॉइंट आपकी बुक में है ही नहीं। क्यों? टेक्निकल पॉइंट सिर्फ हमारे नफरा के लिए दे रखे हैं, कि आप इंडियन लोगों में टेक्निकल पॉइंट समझो, इंडियन नफरा के हिसाब से। वो ने पढ़ा था ना 500 करोड़, 1000 करोड़, आपको US में कितने लिमिट है वो उससे मतलब नहीं है। US का बस आपको आपको बस ये ध्यान रखना है US का, कि वहाँ पे कौन सी अथॉरिटी ने क्या किया, आप कौन सी अथॉरिटी किसको ओवरसाइट करेगी। तो कुछ नहीं करना है आपको दोस्त, अभी जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस मैं इस चीज़ को ना इस चीज़ में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये नाम लिख दूंगा, कंपनी सेक्टर की जगह नफरा की जगह PCO भी रख दूंगा, और ICA की जगह AICPA रख दूंगा। बाकी जो हमने सेम पढ़ा है ना, वही सेम डिट्टो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप आपको बहुत बहुत बच्चे कहेंगे सर आप करा क्यों रहे हो, देखो कराना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि उसमें हम थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने बीच बीच में टेक्निकल पॉइंट भी पढ़े थे। ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट हो गए ना, ये इतने सारे कहाँ गए, सिविल कोर्ट की पावर जाती है, 1 लाख की पेनल्टी, 5 लाख की पेनल्टी, 10 लाख की पेनल्टी, 10 टाइम की पेनल्टी, इतना इतना टेक्निकल पॉइंट वहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था, ये 15 मेंबर, इतना चेयरपर्सन, इतना घुस कर नहीं पढ़ेंगे वहाँ पे। वहाँ पे हम जनरल पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जैसे ये देखो पढ़ा था अपने 500 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, ऐसे डीप में टेक्निकल पॉइंट वहाँ नहीं पढ़ना, वहाँ पे जनरल पॉइंट पढ़ना, यानी कि वो और आसान है हमारे लिए। ठीक है चलिए, तो इसको क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे PCAOB को। आई होप इट इज़ क्लियर दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक बार इसको पढ़ के आना, क्योंकि इसके बेस पे आपको अगली पूरी क्लास आसान लगेगी। ठीक है चलिए दोस्त, बाय बाय, थैंक यू। अच्छा एक पॉइंट हो रहा, सॉरी, आपके मन में अगर कोई डाउट है, हम सोच रहे हैं कि एक प्रॉपर एक डिस्कशन रखा जाए अनुज सर का, मेरा, कुशल सर का, जो भी टीचर्स हैं, कि DU के बच्चों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डाउट्स आते हैं। ठीक है, आपको लिखना कैसे है सर, हम तैयारी कैसे करके जाएं, 2 दिन पहले क्या करना है, ये सब करना है। ऑल्दो तो मैं डिस्कस करूंगा, खुद ही डिस्कस करूंगा, मैं बीच में लाइव क्लास लूंगा जब कोर्स ख़त्म होने वाला होगा, या फिर बीच में ले लूंगा एक आधा। लेकिन एक ओवरऑल आपके मन में जो भी क्वेरीज है ना, मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे, ताकि उस क्वेरी को हम इकट्ठा करके, और बाकी हमारे पास तो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी बच्चों की क्वेरी है वो तो रखेंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो कृपया वो क्वेरीज मुझे भेज दें, स्पेसिफिक टू द एग्ज़ाम। वैसे तो आपके मन में जो भी क्वेरी है आप भेज सकते हो, वो तो मैं आंसर करूँगा ही, लेकिन जो हमारे डिस्कशन में काम आएंगे, जो हम एक ओवरऑल एक आपके लिए गाइडेंस वीडियो बनाना चाहते हैं सारे टीचर्स मिलकर, ताकि किसी भी बच्चे के मन में, वो कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, उसका एक डिस्कशन डाल देंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। क्योंकि देखो दोस्तों होता क्या है ना, आप लिख जितना मर्जी पढ़ लो, क्लास देख लो, जब तक एक बार खुद रीड नहीं करोगे, और आप एग्ज़ाम में कैसे पढ़ के जाना है और वहाँ पे कैसे लिखना है, इसकी प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे ना, तो दोस्तों आपको जो पढ़ा हुआ है ना उसका आप 50% ही लिख पाओगे। जो आप हमसे क्लास ले रहे हो, रिविज़न कर रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप नहीं उठा पाओगे जब तक आपको एग्ज़ाम डे की प्लानिंग आपके दिमाग में नहीं होगी। तो ठीक है, तो कोशिश करना अपने मन में जो भी क्वेरीज हैं वो हमें लिख के ज़रूर भेजो, ताकि हम उसके ऊपर एक फुल फ्लैश्ड वीडियो बना पाएँ और आपको डिलीवर कर पाएँ। चलो दोस्तों, बाय।